land where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Hello friend, welcome to Ignore World. आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Osmo Mobile 3 DJI का है जी। अच्छा जी, इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले इसके थोड़े से मैं बता दूं कि ये कैसे मेरे को मिला और ये कैसे मैंने ख़रीदा है। ये मैंने Amazon से ख़रीदा है और इसके बॉक्स के ऊपर जो इसका प्राइस लिखा हुआ है वो है 9,999 रुपीस। अगर आप देख पा रहे हैं तो 9,999 रुपीस। मगर ये मैंने कॉम्बो पैक नहीं ख़रीदा, ये सिंगल पीस ख़रीदा गया है। कॉम्बो पैक मेरे को जो मिल रहा था वो 10,000 की रेंज में कॉम्बो पैक मिल रहा था। ये मेरे को जो मिला है पीस वो मिला है 7,800 रुपये का। तो प्रिंट कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है इन्होंने। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये किस तरह का गिम्बल है और क्या काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इसकी क्योंकि ये मैंने कॉम्बो पैक नहीं लिया तो इसके साथ कोई बॉक्स, हार्ड केस बॉक्स नहीं आया है। ये दो ही चीज़ें निकली हैं इसके अंदर, बाकी वो जो सिलिकन वो मतलब इसको ड्राई रखने के लिए जो होता है पैकेजिंग, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है बॉक्स के। तो दो ही चीज़ों के निकले हैं, देखते हैं इसके अंदर है क्या है। एक में तो गिम्बल ही दिख रहा है तो इसको मैं साइड रखता हूँ थोड़ी देर तक, देखते हैं इसको। और पहले हम देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है हमारे पास, क्योंकि अगर आप इसका कॉम्बो पैक खरीदोगे उसमें ज़्यादा अच्छा था, मगर मेरे पास बाय करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था कॉम्बो पैक, तो मैंने फिर नॉर्मल मंगवाया। तो इसमें एज़ यूजुअल एक्सेसरीज के साथ साथ कुछ ज्ञान की बातें जो मतलब गिम्बल को स्टार्ट करने से पहले रीड कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली गिम्बल में काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि जो आपको नहीं मतलब स्टार्टिंग में पता लगता। तो ये सारा कुछ रीड करने वाला है, मगर इसमें चाइनीज़, अच्छा चलिए ठीक है, इंग्लिश भी है तो अच्छी बात है, इंग्लिश है तो ये कुछ कैसे अटैच करना है या कुछ भी ये रीड कर सकते हैं आप। उसके अलावा इन्होंने जो ये नॉर्मल पैक में मेरे को साथ में इन्होंने पाउच दिया है इस गिम्बल को रखने के लिए, ये बहुत अच्छा है पाउच। मतलब मैंने इसका देखा था, मतलब उसने साथ में इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा था कि ये पाउच मिला है जिससे आप कैरी कर सकते हैं गिम्बल को। और एक चार्जिंग केबल है एंड टाइप सी है, ये चार्जिंग केबल टाइप सी है तो अच्छी बात है। आजकल ऑलमोस्ट सारे मोबाइल टाइप सी चार्जिंग के साथ आ रहे हैं। तो अब देखते हैं गिम्बल है किस तरह का, क्योंकि गिम्बल को हाथ में होल्ड करने के बाद ये पता लग रहा है कि बहुत ही लाइट वेटेड है गिम्बल। ओके वाओ, तो ये गिम्बल निकल चुका है। तो गिम्बल पे कुछ इन्होंने पीछे भी स्टिकर्स पे बता रखा है कि क्या क्या है, किस तरह आप इसको कर सकते हैं। इस गिम्बल को स्टार्ट तो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मैं स्टार्ट करने के बाद आपको इसके शॉट्स भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के ये शॉट प्रोवाइड करता है या किस तरह का है, क्योंकि इसको मेरे को चार्ज करके इसके शॉट्स वगैरह देखने पड़ेंगे। मगर जो बिल्ड क्वालिटी है इस गिम्बल की बहुत अच्छी है। इसे आप मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं USB से, आप अपना जो भी मोबाइल की वायर है आपकी उससे चार्ज कर सकते हैं। ऊपर नीचे कोई भी पोर्ट नहीं है। अच्छा ऊपर ये आप अगर इसके ऊपर एक्स्ट्रा माइक या कुछ और लगाना चाहते हैं तो ये लग सकता है, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है तो अच्छी बात है ये भी। और बाकी इसके जॉयस्टिक्स हैं, वाइड एंगल के लिए हैं ऑप्शंस वगैरह, वाइड मतलब एंगल वगैरह के लिए, या पीछे भी कोई ट्रिगर है। तो मैं इसका शूट करके फिर आपको मैं इसका वीडियो एंड में कोशिश करूँगा डालूंगा कि क्या किस तरह की ये वीडियो बनाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बटन है और ऐप्स के साथ लिंक है, तो वो ऐप की डिटेल मैं सारी इस वीडियो के एंड में डालता हूँ कि किस तरह की ऐप, इसमें क्या ऐप में फीचर्स हैं, किस तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। तो बाकी मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में डालता हूँ। बाकी ये गिम्बल की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है। अच्छा मैंने इसको कॉम्बो पैक में नहीं खरीदा तो इसके साथ मेरे को
ट्राईपॉड नहीं मिला, जो छोटा ट्राई वाला एंगल नीचे के लिए आता है वो नहीं मिला, तो ये किसी भी ट्राईपॉड के ऊपर लग जाता है। आप अगर मार्केट में से छोटा ट्राईपॉड लेके आओ, या मैंने एक मेरे पास है जो कि मैंने अमेजोन से खरीदा हुआ एक स्मॉल ट्राईपॉड है जिसके ऊपर माइक या कुछ भी लगता है, तो उस पे भी ये खड़ा हो जाता है। तो अगर टाइम लैप्स के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो उस चीज़ में ये उस तरह काम आएगा। तो अभी इसकी नेक्स्ट वाली जो मैं है इसका ऐप वगैरह इंस्टॉल करके फिर आपसे बात करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने इसको लगाया। इसकी एक ऐप है जो कि बॉक्स के ऊपर ही आप प्रिंटेड देखोगे, मतलब मैं अगर कहोगे तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये ऐप डाउनलोड करनी है जो कि मतलब ऐप और ऐप के साथ इसको अटैच करना बहुत इजी है। ये बहुत मतलब जैसे मैंने कई और भी गिम्बल देखे हैं तो उस हिसाब से ये बहुत इजी अटैच हुआ। अटैच करते ही इसने मेरे को बताया कि ब्लूटूथ ऑन कीजिए इसकी। अब ब्लूटूथ के बाद ऐप्स के ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास, ऐप में वीडियो है, फोटोग्राफ्स खींचने के लिए है, और बहुत इजी टू हैंडल है, मतलब इजी हैंडल हैंडलिंग बहुत इजी है। तो इसका ट्रिगर जो पीछे वाला है या मतलब ऊपर रिकॉर्डिंग का है, जॉयस्टिक है मूव करने के लिए, बहुत अच्छे मतलब ऑप्शंस काफ़ी अच्छे लगे, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा है। आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इसने मेरे को बताया कि मैं किसी चीज़ को ड्रॉ कर लूँ तो ये उसी के ऊपर रहेगा फोकस, मैं जिधर मर्जी मूव कर लूँ इसको ये फोकस उसी के ऊपर ही रहेगा, ड्रॉ करने के बाद मैं जिधर मर्जी मूव कर जाऊँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को, जैसे मैं इस वॉच के ऊपर इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो वो ड्रॉ कर लूँ किसी भी चीज़ को तो ये उसी को ही लेता है। तो ये मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन और जो बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत अच्छी लगी मेरे को। मैं पहले भी गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा दूसरा गिम्बल है, मैं पहले मोजा मिनी का एक गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये बहुत ईजी टू हैंडल है क्योंकि वो काफ़ी टफ लगा मेरे को यूज़ करने के हिसाब से। अब ये आप देखो तो बहुत ही स्मूथ, मतलब स्मूथ सा देखो चल रहा है, ये अपने आप उसी जगह पे चला गया जहाँ पे मैंने इसको करा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है टाइम लैप्स, तो बहुत अच्छा मतलब एक टाइम लैप्स और एक स्टोरी मोड है इसमें ऑप्शन। तो मैं कोशिश करूँगा एक स्टोरी बनाने की, अगर आपको मैं एंड में इसमें डाल पाऊँ तो। गिम्बल की बैटरी चार्ज इसमें पता लग रही है ऐप में, जो ऐप है ना ऐप मतलब ऐप के अंदर सब कुछ है इन्होंने डाल दिया, तो आपको फ़ोन की नहीं नीड है कैमरा यूज़ करने की, ऐप यूज़ करिए, ऐप के अंदर ही इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा डाला है। देखिए ये मैं स्टोरी की जो बात कर रहा था, ये कुछ स्टोरीज इन्होंने बना के दी हैं, तो आपको उस तरह का शूट करना है तो उसके बाद ये स्टोरी आपकी इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए जो इंस्टा स्टोरी वगैरह डलती हैं तो उनके लिए इन्होंने बनाने के लिए ऑप्शंस दिए हैं। मतलब बहुत अच्छी ऐप है क्योंकि DJI एक बड़ा ब्रांड है, इनके पहले ही मतलब काफ़ी कुछ आता है इनका, अब तो इन्होंने मतलब गिम्बल वगैरह तो है ही है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट है वो ड्रोन है, एक्चुअली ड्रोन से फिर इन्होंने मतलब काफ़ी सारे एक्शन कैमराज, अब ये मतलब गिम्बल मतलब क्वालिटी वाइज स्टेबिलिटी इनको ही पता है कि फ़ोन को स्टेबल रखना कैसे, फ़ोन कैमरा स्टेबिलिटी इनके पास काफ़ी कुछ है ऐसे की चीज़ें, तो ये स्टेबिलिटी के मामले में बहुत अच्छे हैं, तो इनको पता है कि स्टेबल क्या है क्योंकि इनके कैमराज वगैरह जो ड्रोन में लगे हुए हैं काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो आप देखो देख ही पा रहे होंगे इसकी वीडियो में, बाकी क्वालिटीज ऑफ वीडियो मैं इसको मतलब थोड़ा शूट करके इसके एंड में वीडियो डालूंगा, मगर जो इसकी बिल्ड और अच्छी चीज़ लग रही है कि ईजी टू हैंडल है, एक बच्चा भी इसको हैंडल कर सकता है इस तरह की चीज़ बनाई है इन्होंने, कि जैसे कोई हार्ड मतलब आपको कोडिंग या कुछ मतलब हार्डली आपको मतलब यूज़ करने के लिए कोई मतलब कोई ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिंपली इसको लगाया और ये इंस्टॉल हो गया और सब कुछ अपने आप कर दिया इसने। ऐप बस है कि एक ऐप इंस्टॉल करनी है, उसके बाद आप इसको करो और यूज़ करो। तो हो सकेगा तो मैं इसके एंड में इसकी फुटेज मैं मतलब फुटेज तो एंड में डालूंगा कि किस तरह का ये रिस्पॉन्स दे रहा है या किस तरह की वीडियो बनाता है ये शूट करता है, और हो सका तो मैं स्टोरी जरूर बनानी चाहूँगा, एक स्टोरी डालूँ कि किस तरह का ये मतलब स्टोरी बनती है इसकी, तो मैं स्टोरी भी डालना ही चाहूँगा। और बाकी देखिए देखिए जूम के लिए जो मैं आपको कह रहा था, ये जूम के लिए बटन दिए हैं, ट्रिगर दिया है, मतलब अच्छे ऑप्शंस भी अच्छे हैं इसके गिम्बल के, तो बहुत अच्छा गिम्बल है। मतलब फर्स्ट जो लुक है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है इसका, ये बहुत अच्छा मेरे को लगा गिम्बल। और बाकी आने वाली और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं क्लिक करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती न्यू वीडियोस की। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डेली और मतलब डेली रूटीन में एक वीडियो डाल रहे हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय।
Thank you.